चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की और। इस वक्त की अगली खबर उत्तराखंड से आपको बता रहा है, उत्तराखंड में दो दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। पांच जिलों में दो दिन तक लगातार बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। आज की अगर बात की जाए तो आज उत्तरकाशी चमोली में हल्की बारिश हो सकती है और साथ ही रुद्रप्रयाग में भी हल्की बारिश होगी, बर्फबारी भी यहां पर है, हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। सोमवार को उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग देहरादून टिहरी में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो ये कुछ जगह उत्तराखंड के ऐसे कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई। इनमें उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग देहरादून टिहरी शामिल हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बारिश के आसार हैं। अगले कुछ दिनों में तापमान में जो है गिरावट आ सकती है, कमी आ सकती है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि अभी उत्तराखंड की अगर बात की जाए, बर्फबारी बारिश के आसार जो है मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं, कब से कब तक ये बर्फबारी और बारिश के आसार हैं और कौन कौन से जिलों में जो है मौसम विभाग ने संभावना जताई है? यहाँ पे उत्तराखंड की, यहाँ पे उत्तराखंड में जिस तरीके से बर्फबारी होती है, पर्यटक स्थल है, पर्यटक दूर दूर से आते हैं और ये जो बर्फबारी का सिलसिला होता था ये लगभग जो है दिसंबर नवंबर के आसपास होता था। परंतु जिस तरीके से अगर बात करें मौसम विभाग की, अभी जो पांच जिलों में उसने जो बारिश की संभावना है, बर्फबारी की संभावना बताई है, उसको देखते हुए जो है यहाँ पर जो है अगर बात करें उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग की, तो यहाँ पर जो है आज बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। और कल सोमवार को जो देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग, इन जिलों में जो है बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और खास करके अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कोहरे की भी बात की गई है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोहरा देखने को मिल सकता है। और जो इसका कारण बताया जा रहा है वो पश्चिमी जो विक्षोभ में उसके सक्रिय होने की वजह से ये जो है ये बात बताई जा रही है। जी पुनः जी अवनीश जी, बिल्कुल जिस प्रकार से तापमान में यहाँ पर कमी की बात भी कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, तो कितना जो है तापमान गिर सकता है यहाँ पर? देखिए पूनम, यहाँ पर अगर बात करें अभी तापमान जो है लगभग जो है समांतर चल रहा है, अभी ज्यादा जो है यहाँ पर सर्दी का एहसास नहीं है। हालांकि रात को थोड़ी देर के बाद जो है वो ठंड का एहसास जरूर हो रहा है, परंतु अभी दिन की अगर बात करें चटक धूप खिली हुई है जिससे यहाँ पे अभी जो है वो सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। लोग अभी भी जो है कमीजों में घूम रहे हैं, परंतु अगर जिस तरीके से अगर ये मौसम विभाग की बात है ये सटीक हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लगता है लोगों को कम्बल और रजाई निकालने की जरूरत जरूर पड़ेगी। जी साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, साथ ही तापमान में भी अगले कुछ दिनों में गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा अब यहां पर उत्तराखंड के कई जिलों में पड़ सकती है। जिस प्रकार से जो है तापमान में कमी आएगी जैसे जैसे, तो ठंड भी बढ़ेगी।